फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो लगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आप और मेरे साथ आप क्वेश्चन को सीख सकें। तो चलिए 2 मिनट का क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। आपको मैं एक्सरसाइज 10.2 का जो कि क्लास 10th का सर्कल चैप्टर है उसके आज तीनों क्वेश्चन ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों आज करा दूंगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसान आसान है, बड़े प्यारे प्यारे या आसान से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ के शुरू करते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑप्शन दे रखे हैं 7, 12, 15 और 24.5 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से और चलिए अपनी नोटबुक पे चलते हैं, आपको बना देते हैं फिगर। सबसे पहले एक रफ फिगर बना लीजिए। देखिए अपनी नोटबुक पे आ चुके हैं हम। इससे पहले दोस्तों आपको हमने बेसिक सिखाया था सर्कल के, ठीक है, ये देखिए। तो अब अपनी नोटबुक पे आ चुके हैं हम। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है, उसके एक सेंटर से एक पॉइंट जा रहा है क्यू, ठीक है, एक सेंटर से एक पॉइंट जा रहा है क्यू, ठीक है, ये मान लीजिए क्यू है, ठीक है, और ये पी और ये ओ, ठीक है। तो जो ओ क्यू का डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो पी क्यू का है वो 24 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमें OP की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, रेडियस की वैल्यू, मतलब ये रेडियस रेडियस इज इक्वल टू OP, ठीक है। तो चलिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, पाइथागोरस, सबको पता है पाइथागोरस लगेगा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है 25 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 24 ओपी का स्क्वायर, ठीक है, ओपी और प्लस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर पता है दोस्तों क्या होता है 576, आप करके देख लीजिए, ठीक है। 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, चलिए 625 में से 576 को माइनस, एक हाँ से लिया, ये 15 में से 6 गया 9, अब ये 1 बचा, 1 में से 8 11 में से 4 49 बच गया है दोस्तों ओपी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये उधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, ये 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसी आसान सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी ये देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये हम इसमें फिगर गिवन है टीपी एंड टीक्यू, टी पी एंड टी क्यू टू टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू 110 डिग्री है एंड देन टी पी टी क्यू हमें फाइंड करना है, हमें ये 110 देके ये फाइंड करना है, ठीक है, ये वाली ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए आपको सिखा देते हैं, ये भी क्वेश्चन इजी है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसका, स्मॉल फिगर बना लेते हैं समझने के लिए बस। तो ये 110 दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है पी टी क्यू ओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ये टेंजेंट से जो भी पॉइंट जाता है ना वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो चलिए यहाँ पर ये एक तरबूज मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का कोण 360 होता है, सबको पता है ठीक है। तो सारे एंगल प्लस कर देते हैं तो ओ पी टी, ठीक है, एंगल ओ पी टी, ठीक है, एंगल ओ पी टी प्लस पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी, ठीक है, इजल टू 360, ठीक है, डिग्री। अब देखिए ओ पी टी, यहाँ पर हमने 90 डाला था, ठीक है, 90, और पी टी क्यू हमें फाइंड करना है, तो एंगल पी टी क्यू फाइंड करना है, और टी क्यू और टी क्यू हमारा 90 डिग्री है, और ये हमारा गिवन है 110 डिग्री, ठीक है, इजल टू 360 डिग्री। अब इसको प्लस करिए दोस्तों सबको, अब इसको प्लस करेंगे तो देखते क्या आता है, 90 90 180, ठीक है, और 110 को प्लस करेंगे तो 290, ठीक है, तो पी टी क्यू इजल टू 360, और ये प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 290, ठीक है, तो एंगल टी पी क्यू आ गया, माइनस करेंगे अब 290 को तो 0, और इधर से हासिल किया तो 7, ठीक है, 70 70 डिग्री आ गया पी टी क्यू, ये हमारा 70 डिग्री आ गया। तो चलिए देखते हैं उसमें ऑप्शन में है, ये देखिए ए 60 डिग्री, बी 70, और ये 80, हमारा 70 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्कल विद द सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू द ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 80 डिग्री, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा आसान है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट तो साथ तो है ही। तो देखिए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए एक सर्कल है, ठीक है, उसके दो रेडियस जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ उसका टेंजेंट दो जा रहे हैं, ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल सा बन गया। तो उसके यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, टेंजेंट पी ए, ये हमारा ए है, इसे ओ मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, और इसे हम पी मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमें 50 दे रखा है, ठीक है, नहीं सॉरी 80 दे रखा है, ठीक है, 80 डिग्री दे रखा है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको दोस्तों ये बताया था कि ये 90 होता है, सबको पता है, ठीक है, ये याद रखिए हमेशा 90 होता है। एंगल पी ए ओ इजल टू 90 डिग्री, और एंगल पी बी ओ इजल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ए इजल टू 360, ठीक है। तो पी ए ओ हमें 90 है, ठीक है, पता है, ए ओ बी हमें फाइंड करना है, मतलब ए ओ बी की वैल्यू हमें चाहिए अभी, गिवन नहीं है, और ओ ए पी हमें 90 गिवन है, प्लस बी पी ए हमें 80 गिवन है, ठीक है, इजल टू 360। अब इसको प्लस करिए, 90 90 180 प्लस 80 280, ठीक है, तो ए ओ बी इजल्स टू, सॉरी ये देखिए प्लस करेंगे आप इसे तो 260 आएगा, ठीक है, गलती हो गई, सॉरी, 360 माइनस 260, और ए ओ बी की वैल्यू आ गई 100 डिग्री, ठीक है, ये ए ओ बी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो हमें पी ओ ए, ठीक है, पी ओ ए इजल टू हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए आप अब समझते हैं फिर से। तो हम पहले लेते हैं एंगल ट्रेंगल ओ पी ए एंड ट्रेंगल OPB, ठीक है, ये दोनों ट्रेंगल लेते हैं, इसको कॉन्ग्रेंट करते हैं दोस्तों सबसे पहले, ठीक है, तो AP, ठीक है,
ए पी इज्वल टू पी बी, पी बी क्या है हमारा, टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट ऑफ द सर्कल ठीक है, या गिवन है ठीक है। फिर देखिए क्या गिवन है, ओ ए इज्वल टू ओ बी, गिवन नहीं है, ओ ए इज्वल टू ओ बी, ये क्या है, रेडियाई। ठीक है दोस्तों, एक रेडियस होता है तो उसे रेडियस कहते हैं, दो होता है तो रेडियाई कहते हैं ठीक है। अब तीसरा है हमारा ओ पी इज्वल टू ओ पी, यह हमारा कॉमन साइड है ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रेंगल, ओ पी ए इज्वल्स टू कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल ओ पी बी बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंट, ठीक है ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया। और अब देखते हैं एंगल पी ओ ए, पी ओ ए इज्वल्स टू एंगल पी ओ बी बाय सी पी सी टी, ठीक है सी पी सी टी से इक्वल कर दिया इसे हमने। तो ये देखिए पी ओ ए, पी ओ ए ये दोनों पी ओ ए और पी ओ ए बराबर है, मतलब ये दोनों छोटे छोटे बराबर हैं, तो ये पूरा बड़ा एक साथ होगा ठीक है, तो ये इससे हाफ होगा ठीक है। तो अभी समझाता हूँ आपको, देखिए पी ओ ए इज़ल टू हाफ ए ओ बी ठीक है, ये होगा तो पी ओ ए इज़ल टू हाफ ए ओ बी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करी थी देखिए दोस्तों 100 ठीक है। तो 100 अब इसे डिवाइड करेंगे तो पी ओ ए की वैल्यू आ गई 50 डिग्री ठीक है, ये हमें फाइंड करना था ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और इसके अगले के क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूंगा ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।